एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हम इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 को डू योरसेल्फ छोड़ दिए थे। इस बार हम कंप्लीट कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। कि ए बी सी त्रिभुज है, और कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है। और हमें यह बता देना है कि साइन ए कॉमा कॉस ए और साइन सी कॉमा कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल जो ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देंगे क्या चीज, कि एंगल जो है बी है वह राइट एंगल यानी समकोण है, 90 डिग्री वाला है ये एंगल बी। अब हम लोग स्वतंत्र है ए और सी बैठाने के लिए, कहीं भी रख सकते हैं। ये मान लेते हैं ए है, ये बी और ये सी। और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जबकि बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर जबकि बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं गिवन हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर के मान सकते थे, जहाँ के एक क्या होता है, धन पूर्णांक या धन संख्या, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है उसके गुणांक में कुछ हो, उसका फैक्टर कुछ हो, जो दोनों में कॉमन हो, कैंसिल होकर वो रेशियो दिया हो। तो देखेंगे हम, कोई क्वेश्चन होगा अगर ऐसा आता है तो हम करके बताएंगे कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या क्या हमें गिवन है, एंगल बी बराबर है समकोण, एंगल बी जो है वह समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। और हमें क्या पता है इस त्रिभुज में लंब, लंब यानी कि एबी, लंब यानी कि एबी वह जो है 24 सेंटीमीटर है, जबकि आधार की बात की जाए, आधार जो है बीसी जो है वह 7 सेंटीमीटर है। ऐसा लिख देना सही नहीं माना जाएगा, हम लोग को परपेंडिकुलर हाइट एबी 24 है, बेस जो है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में एंगल सी के सापेक्ष है, तो एंगल सी के सापेक्ष है, तो यह बात किसके लिए आएगा, कोण सी के सापेक्ष अगर देखा जाए, सी के सापेक्ष देखा जाए तो ये होगा। लेकिन अगर कोण ए के सापेक्ष देखे, ए के सापेक्ष मतलब होता है 7, यानी रिस्पेक्टिवली एंगल ए, तो एंगल ए के लिए जिस एंगल पे हम जाते हैं उसके साथ वाला जो होता है वो आधार होता है। अब इस स्थिति में ए बी जो हो जाएगा आधार हो जाएगा, इस स्थिति में आधार जो हो जाएगा वह ए बी हो जाएगा और वह है 24 सेंटीमीटर, जबकि लंब जो हो जाएगा जो कोण के थ्रू चलते उसके सामने की भुजा, सामने का साइड, ठीक है, यानी बी सी जो हो जाएगा वह लंब हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। एक चीज है, सॉरी क्या लिख दिया हम, आधार इसका क्या हो जाएगा ए बी और लंब क्या हो जाएगा बी सी, सही है। और एक चीज हमें देखना है वो है क्या, किसका कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यानी हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनस यानी एसी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर एबी स्क्वायर प्लस बेस बीसी स्क्वायर। तो यहां से तुम देख सकते हो कि एसी स्क्वायर बराबर एबी का वैल्यू कितना है, एबी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है प्लस बीसी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। दिस इंप्लाइज एसी बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 7 का स्क्वायर 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एसी बराबर दोनों का सम 625 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट, कब लीजिए है ना, इसलिए हम निकाल सकते हैं यहाँ कि एसी जो आया अपना वह क्या आया, तो 25 सेंटीमीटर आया। हालांकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा वैल्यू, लेकिन निगेटिव नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भुजा का साइड का लेंथ निगेटिव नहीं ले सकते हैं। तो हमें अब सब कुछ पता है, पहला क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि साइन ए बराबर क्या, तो साइन थीटा के लिए हम लोग ये पढ़ के आए थे कि साइन जो थीटा होता है वह पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, कि पी बाई एच, ठीक है। तो पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, अब देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है उसके सामने, देखो 7, देखो ना एंगल ए के सापेक्ष हमने पहले ही ये बात देख लिया था, तो क्या है बीसी है और हाइपोटेनस तो वही रहता है, यानी 7 सेंटीमीटर बाई
कितना आया था ए सी 25 सेंटीमीटर, और इस प्रकार हमने देखा 7/25 आया इसका रेशियो। जबकि अगर हम लोग बात करें कॉस ए का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पर क्या थे बी बाई एच, तो बेस कितना है ए के लिए, देखो ए के सापेक्ष में हम लोग बेस क्या देख रहे हैं ए बी, किसको देख रहे हैं ए बी, या यहां भी देख सकते हो जो एंगल के साथ वाला होता है वो, और ए सी कभी चेंज नहीं हुआ, कर्ण कभी चेंज नहीं हुआ, यानी 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यानी 24/25। तो ये तो निकल गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर टू कौन सी के सापेक्ष है, हमें निकालना साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या था पी बाई एच, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन है, इसके सामने वाला कौन है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, यानी कि कितना आ गया 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉस सी का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, जबकि बेस सी के लिए कौन है इसके साथ वाला, तो बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, और बी सी का वैल्यू क्या है, तो बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और बाय ए सी हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25, और यही सब इसका फाइनल आंसर है। अगर इसमें और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता तो हम आराम से निकाल सकते थे। चलो इसको कर लो नोट।